दोस्तों बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए अक्सर लोग इस चीज़ के लेकर बड़े परेशान रहते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें सर्च करते रहते हैं कि कैसे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करें वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको अपना वेट लूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करनी चाहिए अच्छा खाना चाहिए ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं बट इन सभी चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं दोस्तों जो अगर आप रेगुलर खाते हैं अपनी डाइट में तो ये भी आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं जहां मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे फूड आइटम्स जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा दोस्तों सबसे पहला फूड आइटम जो कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए वो है ओट्स ओट्स एक बहुत ही होलसम न्यूट्रिशियस फूड आइटम है जो कि न सिर्फ़ आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बल्कि इसके साथ साथ एक बहुत ही रिच सोर्स है सॉल्युबल फाइबर का और सोल्यूबल फाइबर जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो एक दिल में पाँच से लेकर दस ग्राम तक सॉल्युबल फ़ाइबर खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही तेज़ी से कम होता है और एक बाउल अगर आप लेते हैं ओट्स का तो उस एक बाउल के अंदर करीब करीब तीन से चार ग्राम तक सोल्यूबल फ़ाइबर होता है दोस्तों और अगर इस बोल के अंदर आप ओट्स में बेरीज़ या बनाना या बहुत सारे और फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स आप मिला लेते हैं तो ये जो फ़ाइबर की क्वांटिटी है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है तो आप कह सकते हैं कि जो रिकमेंडेड डेली सोलबल फ़ाइबर आपको लेना चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उतना आपको सिर्फ़ अपने ब्रेकफास्ट में एक बोल ओट्स से मिल सकता है बट एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ओट्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए स्पेशली तो वो ये कि अक्सर हम लोग इंडिया में जो ओट्स इस्तेमाल करते हैं वो दूध में पका के इस्तेमाल करते हैं बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप उसके लिए ओट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो या तो आप नमकीन ओट्स पकाइए यानी इसमें दूध ना हो या फिर अगर आप दूध में ही पकाना चाहते हैं तो आपका जो दूध है वो टोन्ड मिल्क होना चाहिए यानी इसके अंदर से क्रीम निकली हुई होनी चाहिए सपरेटा दूध होना चाहिए तभी आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और इसके साथ साथ कोशिश करिए कि आप उसके अंदर शुगर ना ऐड करें शुगर की जगह आप शुगर फ्री टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टीविया पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोशिश करिए कि फीका ही खाएं कुछ दिन आपको शायद बुरा लग सकता है बट अगर आप फीका खाने की आदत डाल लेंगे तो आपको कुछ दिनों में वो भी अच्छा लगने लगेगा क्योंकि ओट्स के अंदर अपनी भी एक मिठास होती है जो कि आपको धीरे धीरे टाइम के साथ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को दूसरी चीज जो अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए वो है फैटी फिश और ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स फैटी फिश का मतलब है ऐसी फिशेज जिसके अंदर चर्बी ज़्यादा पाई जाती है अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए बट दोस्तों अगर हम रिसर्च की बात माने अगर स्टडीज़ की और साइंटिफिक फैक्ट्स की बात माने तो ये जो फैटी फिशेज होती हैं इनके अंदर ओमेगा थ्री फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है और ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो है ये आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड को कम करने का भी काम करता है इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने का काम करता है और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉट बनने का रिस्क होता है यानी थक्का जमने का खून का थक्का या ब्लड के नसों के अंदर जो प्लैग बनने का ख़तरा होता है उसको भी कम कर देता है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है आपके लिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है तो आपको हफ्ते में कम से कम दो बार फिश ज़रूर लेनी चाहिए ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मानना है और अगर आप फिश नहीं ले सकते हैं तो उसके इसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं फ़िश ऑयल के या फिर ओमेगा थ्री फैटी एसिड के तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आप फिश लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वो एक नेचुरल सोर्स है और उसमें आपको इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं बट फिश लेते टाइम एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप फिश का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल को वाकई में कम करना चाहते हैं तो ग्रिल्ड फिश लेना आपके लिए बेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर एक तो कोई एडेड ज़्यादा फैट्स नहीं होते हैं और इसके साथ साथ ज़्यादा मसाले या इस तरह की चीज़ें भी कम पाई जाती हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है तीसरी चीज है एवोकेडो एवोकेडो जो है दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स छुपे हुए होते हैं इसके साथ साथ एवोकेडो के अंदर जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि एम यू एफ ए ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एल लेवल को कम करने का काम करते हैं स्पेशली रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग मोटे होते हैं यानी ओबेज या ओवरवेट लोग होते हैं उनके अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जाता है उन लोगों के अंदर जो एल डी है उसको बहुत तेज़ी से कम करता है एवोकैडो एवोकैडो को अगर आपको लेना है तो एक एवोकैडो आपको रोज़ाना लेना चाहिए इस्तेमाल करना चाहिए इसके आप बारीक बारीक स्लाइसेस बना लीजिए और उसको या तो एज ए सैलड आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका सैंडविच बना के आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा कॉस्टली आइटम है हर जगह आसानी से नहीं मिलता है बट अगर आपको मिल सकता है और आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करिए एवोकेडो एक बहुत बढ़िया आइटम है कोलेस्ट्रॉल के लिए चौथी चीज़ है वे प्रोटीन वे प्रोटीन भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अगर आप रेगुलर वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल को और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इन दोनों ही चीज़ों को कम करने का काम करता है और इसके साथ साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी ठीक करने का काम करता है यानी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में भी इसका अच्छा रिजल्ट पाया जाता है वे प्रोटीन जो है दोस्तों ये डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है और इसके बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं आप किसी भी अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन ले सकते हैं और उसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग फ्लेवर्स में बहुत से अच्छी अच्छी तरह की चीज़ों में आजकल ये मिल रहा है तो आपको लेने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपकी बॉडी के अंदर जो मसल मास है उसको भी इम्प्रूव करेगा आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी मदद करेगा और इसके साथ साथ आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करेगा दोस्तों लास्ट फूड आइटम जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए वो है ऑरेंजेस जी हाँ ऑरेंजेस बहुत ही अच्छी चीज़ है आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वैसे तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं सभी के सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पाए गए हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए बट स्पेशली ऑरेंजेस एक ऐसी चीज़ है जो कि टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और आप रेगुलर तौर पर इसको, इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऑरेंजेस के अंदर पैक्टिन और विटामिन सी होता है और ये दोनों ही चीज़ें आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में स्पेशली आपके एलडीएल को कम करने में काफ़ी मददगार होती हैं लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा जब आप ऑरेंजेस लेते हैं तो उससे आपको जो रिज़ल्ट हैं थोड़े से टाइम के बाद मिलते हैं यानी आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना होता है ऑरेंजेस का तभी आपको इसका सही बेनिफिट मिलता है इसको इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप ऑरेंज जूस लेना शुरू कर दें सुबह नाश्ते में ऑरेंज जूस लेना बेस्ट होता है इससे आपको सारा दिन एनर्जी भी मिलती है आपकी जो स्किन हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है और इसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना पांच ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो कि ईजीली अवेलेबल भी हैं और जिनको आप आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट भी कर सकते हैं इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये सभी के सब टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे होते हैं इन पांचों फूड आइटम्स को आपको एक साथ नहीं ऐड करना है अगेन मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है इस तरह की वीडियोस में कि जहां पर मैं एक साथ कई सारी चीज़ें बता देता हूं लोग कहते हैं भाई सारी चीज़ें साथ में हमें यूज़ करनी है साथ में यूज़ नहीं करनी है अपने हिसाब से इसमें से एक या दो चीज़ आप ले सकते हैं या मौसम के हिसाब से ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फिर कुछ टाइम बाद आप रोटेट कर सकते हैं दूसरी चीज़ लेना शुरू कर दीजिए उसको बंद कर दीजिए इस तरह से अपने हिसाब से आप सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं आई एम श्योर कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसको आप इस्तेमाल भी ज़रूर करके देखेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं जो कि इस वीडियो में आपसे बताने से रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल कर सकें मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर भी लूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हँसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा